हेलो बड़े दुख का इस दिन में और आप सभी को स्वागत हमारे प्लान किया हूँ मेरे दिन से में हमारे ब्रांड्स प्लांट्स में। सो आज जो बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम सकुलेंट्स के बारे में। सो बेसिकली हमारे क्या होता है कि हमारे प्लांट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और महंगे प्लांट होने के साथ साथ उसका पॉटिंग मिक्स जो लगे आते हैं वो भी महंगा पड़ता है, हमें फर्टिलाइजर महंगे पड़ते हैं, उसका प्लांटर जो लाते हैं जो हमारा पॉट होता है वो महंगा पड़ता है और उन सारी चीज़ों से ज़्यादा महंगा होता है हमारा टाइम, जो टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं हमारे प्लांट्स के ऊपर। और हमारी गलती की वजह से हमारे प्लांट्स मर जाए तो वो एक बहुत बुरी चीज़ होने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम हमारे सकुलेंट्स को हम कैसे चीज़ें उसके ख्याल रखें कि वो प्लांट बिल्कुल ना मरे। तो आज हमारे सामने कुछ सकुलेंट्स रखे हुए हैं और इन्हीं के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हालांकि मेरे पास और भी ज़्यादा सकुलेंट्स हैं लेकिन हम अभी फिलहाल इन्हीं के बारे में बात बता देते हैं कैसे इन्हें ख्याल रखना है और कैसे क्या चीज़ें करनी है कि ये प्लांट्स ना मरे। सो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो है सनलाइट। सकुलेंट्स एक बहुत छोटे पौधे होते हैं और हम सोचते हैं कि ये टोटली इंडोर प्लांट है। हाँ इंडोर है, आप इंडोर रख सकते हैं लेकिन स्पेशली ये आउटडोर में रहने वाले प्लांट है। जी हाँ, इसको प्रॉपर सनलाइट चाहिए होती है। हालांकि हार्ड सनलाइट भी एकदम डायरेक्ट सन के नीचे ना रखें तो अच्छा है, इनडायरेक्ट सनलाइट या फिर सुबह की 3-4 घंटे की सनलाइट इस पर ज़रूर चाहिए। तो एक चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें, जो भी हमारे सकुलेंट्स होते हैं उसको सनलाइट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ होती है इसका पॉटिंग मिक्स। तो इसका पॉटिंग मिक्स किस तरह का होना चाहिए? तो इसका पॉटिंग मिक्स होना चाहिए उसमें गार्डन सॉइल होनी चाहिए, उसमें वर्मी कंपोस्ट यानी कोई खाद होनी चाहिए, उसमें सैंड यानी कि जो बालू होता है वो होना चाहिए। अगर आपके पास परलाइट है तो परलाइट होनी चाहिए वरना आप सैंड की मात्रा थोड़ी और बढ़ा दें। जो अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है इसकी गुड़ाई। तो इसकी गुड़ाई करने के लिए सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता है, कोई शार्प चीज़ लीजिए, मेरे पास एक डाली है तो मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ और इसको हल्का हल्का ऊपर वाली लेयर को ऐसे करके हल्का हल्का पूरे में खोद दीजिए। छोटा प्लांट है तो उसमें कोई टाइम भी नहीं लगता है और इसकी हल्की हल्की सबकी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से होगा क्या? गुड़ाई करने से ये होगा कि इसके ऊपर की जो मिट्टी है वो थोड़ी लूज हो जाएगी और जिससे जो हवा है वो नीचे अंदर इसके प्लांट की जड़ों तक पहुंच सकती है आसानी से। जब हवा पहुंचेगी तो इसमें ग्रोथ प्रॉपर होगी। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और आखिरी चीज़ होती है वो होती है इसकी वाटर सिस्टम। जो नॉर्मली आदत होती है हमारी वो क्या होती है कि हम किसी फुहारे से, किसी पाइप से, किसी चीज़ से हम डायरेक्ट इसके ऊपर से ही पानी ऐसा देना शुरू कर देते हैं, इसलिए उसके ऊपर पत्तों के ऊपर भी वो पानी गिरता रहता है। तो वो एक बहुत गलत हैबिट है हमारी। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे पहले तो यही है कि जो हमारे पत्ते होते हैं अगर इसके ऊपर पानी गिरेगा तो इसकी जो ऊपर की जो लेयर होती है वो सफ़ेद सफ़ेद होने लगती है, वो एक चीज़ होती है। और दूसरा ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये प्लांट की बीच वाला जो हिस्सा है इसके हिस्से में पानी रुका रहेगा, अगर पानी उसमें रुका रहेगा तो वो फंगस को, वो बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा, वो फंगस बैक्टीरिया को अपने तरफ बुलावा देगा और वहाँ अगर फंगस और बैक्टीरिया जम गए, इकट्ठा हो गए तो धीरे धीरे हमारे प्लांट को पूरी तरह से खा देंगे, प्लांट को पूरी तरह से मार देंगे। इसलिए सही तरीके से पानी देने का तरीका यही है कि कोई भी ऐसा चीज़ ले लें, ये पेपर ढक्कन है ये, या फिर कोई भी गहरी चीज़ ले लें और उसके अंदर पानी भर लें। जैसे कि मैं पानी भर लेता हूँ, तो इस तरह से उसमें पानी भर लें और जो भी जिस भी पौधे को हमें पानी देना है वो इस तरह से उसके अंदर रख दें और मुश्किल से आधा घंटा या 10 मिनट ही लगेंगे कि सारा जो इसकी जड़ें हैं, जो इसमें मिट्टी है, वो पानी को नीचे वाले छेद से धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगी और इसके पूरे पौधे में प्रॉपर पानी भर जाए। यही कुछ चीज़ें थी जो हमारे सकुलेंट्स प्लांट्स को इम्पॉर्टेंट रहती हैं उसके देख रेख के लिए, उसके बचाव के लिए। और जब गर्मी आएगी तो उसमें कैसे बचाव करना है उसके बारे में हम वीडियो जरूर बना देंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन एक चीज़ और है, हमारे चैनल पे चल रहा है स्पेशल गिव अवे। अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है उसमें हम गिव अवे कर रहे हैं 50 प्लांट्स का, हाँ जी 50 प्लांट्स का गिव अवे कर रहे हैं। अगर आपने स्टिल पार्टिसिपेट नहीं किया है तो ज़रूर जाके पार्टिसिपेट करें, उस वीडियो का लिंक मिलेगा आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके ज़रूर चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सेवन आवर पीस out.